कोरोना वायरस की थर्ड वेव से बचने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम कोरोना वायरस की थर्ड वेव से बहुत आसानी से बच सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर सभी के लिए डिस्ट्रक्टिव रही है। इसने न केवल एडल्ट्स के जीवन को प्रभावित किया है बल्कि बच्चों पर भी इसका शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ा है। लेकिन जबकि कई लोग दावा करते हैं कि आबादी के बीच बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, विशेषज्ञों ने इन दावों का खंडन किया है और कहा है कि दूसरी लहर ने सभी को समान रूप से इन्फ्लुएंस्ड किया है। अब एक संभावित तीसरी लहर की अटकलों के साथ माता पिता चिंतित हैं कि यह उनके बच्चों के लिए क्या जोखिम पैदा कर सकता है। जबकि तैयार रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी गलत सूचना से दूर रहें जो आपके मन की शांति को बर्बाद कर सकती है। हमारे बच्चों को महामारी के बारे में शिक्षित करने के अलावा उन्हें सभी एहतियाती उपायों का पालन करने के लिए कहें। उन्हें घर के अंदर रहने के लिए एनकरेज करें और घर पर विजिटर्स के आने से बचें। यह देखते हुए कि वायरस किसी को नहीं छोड़ता, अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर न भेजें, बल्कि मजेदार इंडोर खेलों का आयोजन करें जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आपका बच्चा जब भी साथ हो और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाए तो वह मास्क पहने। ऐसे समय में बार बार हाथ धोना और अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वे दूषित या संक्रमित सतहों और वस्तुओं को छू सकते हैं जिससे संक्रमण हो सकता है। इससे बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे नियमित रूप से हाथ धोते रहें। इस नए कोरोना वायरस और COVID-19 के प्रसार को कम करने में मदद करने के लिए इससे होने वाली बीमारी यहाँ इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो आपकी, आपके प्रियजनों और अन्य लोगों की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। यह देखना इम्पोर्टेंट है कि नया कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसकी बूंदें आसपास के व्यक्तियों को संक्रमित कर सकती हैं। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि आप अन्य व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचें। जान लें कि व्यक्ति, बच्चों सहित नए कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और उनमें केवल हल्के लक्षण हो सकते हैं। अन्य लोगों के साथ निकट संपर्क को रोकने के लिए आप जो कुछ कदम उठा सकते हैं उनमें शामिल हैं, जहां तक सके घर पर ही रहें और विजिटर्स की संख्या कम करें, शारीरिक दूरी का अभ्यास करें, पब्लिक क्षेत्रों में अन्य लोगों से कम 6 फीट की दूरी पर रहें, अपनी कंपनी से पूछें कि क्या घर पर काम करना संभव है, बीमार दिखने वाले लोगों को रोकें। यदि आप किसी पब्लिक स्थान पर हैं जहां आप विभिन्न पुरुषों और महिलाओं से मिल सकते हैं तो फेस मास्क पहनें। कोरोना वायरस जो COVID-19 का कारण बनता है वह निकटता से बातचीत करने वाले व्यक्तियों के बीच फैल सकता है, उदाहरण के लिए बात करना, खांसना या गाना। COVID-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने वाले मास्क के बारे में अधिक जानें। आप जहां हैं वहां अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। नया कोरोना वायरस कई सतहों पर घंटों या दिनों तक भी टिक सकता है। अपने हाथों को साबुन और गर्म पानी से नियमित रूप से और पूरी तरह से कम 20 सेकंड तक धोएं, विशेष रूप से खाना बनाने से पहले। यदि साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। अपनी आंख, मुंह या नाक को छूने से बचें, खासकर बिना धोए हाथों से। अगर आपको खांसी या छींक आए तो इसे कोहनी के मोड़ से करें। यदि आप एक ऊतक का उपयोग करते हैं तो उसे तुरंत फेंक दें। बाहरी लक्षणों की जांच करें। गेट वैक्सीन डिटेल्स। अपनी और कई अन्य लोगों की रक्षा करें। क्या आप बीमार महसूस कर रहे हैं? इन टिप्स का पालन करें। यदि आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो घर पर रहें जब तक कि आपको कोई हेल्थ इमरजेंसी ना हो, जैसे कि सांस की गंभीर कमी या बहुत बड़ा बुखार। अपने डॉक्टर और अर्जेंट केयर फैसिलिटी को फोन करें और टेलीफोन पर अपने लक्षणों को स्पष्ट करें। अगर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होने की वजह से मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ी तो मास्क जरूर पहनें। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा,
कि हम किन किन चीजों का पालन करके कोरोना वायरस की थर्ड वेव से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं और अपने बच्चों का भी ख्याल रख सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो में जो भी टिप्स आपको मिली है उसका आप पालन करें और अपने साथ अपने दोस्तों और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो हमारे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।